हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रियंका। जो मेरे चैनल पे नए हैं, वेलकम टू माय चैनल, प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। और जो मेरी वीडियोस ऑलरेडी देखते हैं, थैंक यू सो मच। आज हम करने जा रहे हैं स्पा और यू कैन से फेशियल एट होम। तो जी हाँ, इस फेशियल के लिए मैंने बहुत ही ऑनलाइन बहुत सर्च किया कि मुझे कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन सी फेशियल किट यूज़ करनी चाहिए ताकि हम इजीली घर पे और जो है वो फेशियल कर सकें। जस्ट बाहर जाना इस टाइम जो है वो बहुत रिस्की भी है, चाहे वो पार्लर ही क्यों ना हो। तो लेकिन हमें जो है अपना स्किन केयर भी नहीं रोकना चाहिए इस टाइम में। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू शूट वीडियो ऑन दिस कि हम कैसे घर पे बैठे अपना स्किन केयर कर सकें और साथ ही साथ मतलब हम बाहर के खतरे से भी बचे रहें। तो गाइस, जो मैं आपको फेशियल किट बताने जा रही हूँ, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, एनीवन कैन परचेज। तो वो किट है पॉन्ड्स की चारकोल एंटी पॉल्यूशन फेशियल किट। यस गाइस, दिस इज़ द किट एंड एक्चुअली इसका जो MRP है दैट इज़ 300 रुपीज़, लेकिन मुझे ये 250 रुपीज़ में मिली थी। तो मैं इस बात से मैं कह सकती हूँ कि येस, जो हमारा ये फेशियल होने वाला है, ये होने वाला है अंडर 100 रुपीज़। वो क्यों? क्योंकि जो मैं इसकी पैकेजिंग के हिसाब से मैं देख सकती हूँ, जो इसमें ट्यूब्स हैं उसकी, जो उसमें जितना मटेरियल है वो 3 टाइम के लिए तो यूज़ हो ही सकता है। ठीक है, मैं अब आपको ये खोल के बता देती हूँ कि इसमें कैसे है। यस गाइस, तो इसमें ये है 6 स्टेप फेशियल होने वाला है ये, और इसमें हर स्टेप की जो है वो उन्होंने क्रीम दी हुई है, जो भी है मटेरियल दिया हुआ है। और मेन बात ये है ट्यूब्स ही हैं, उस पर इन्होंने नंबर 1 नंबर 2 करके स्टेप्स भी लिखे हैं। जैसे कि ये नंबर 1 है, जो आगे पूरे 6 स्टेप्स दिए हैं, आपको पूरा बताया है कि आप कैसे अपना फेशियल कर सकते हो। और जो दूसरी बात है कि वो ये है कि ये ट्यूब्स में है, ये सैशेज में नहीं है। बिकॉज हमें पता है कि जो सैशेज हैं उनको यू नो प्रिजर्व करना कितना मुश्किल हो जाता है, वो कभी यहाँ स्पिल कर रहे होते हैं, कभी वहाँ स्पिल कर रहे होते हैं। तो ये वाली चीज़ हमारे लिए बहुत एक एडवांटेज रहेगी और इसको हम इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ आई एम टेकिंग दिस फर्स्ट स्टेप, और ये फर्स्ट स्टेप ये नॉर्मल फेस वॉश है, जबकि मैंने ऑलरेडी अपना फेस वॉश कर लिया है, लेकिन स्टिल अगर मैं ये यूज़ कर रही हूँ तो मैं अपना फेस वॉश करूँगी। और सो जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल वॉश माय फेस एंड कम बैक। ओके गाइस, तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है अब, एंड द सेकेंड स्टेप इज स्क्रब। सो एंड हियर इज द स्क्रब। सो आई एम टेकिंग दिस मच ऑफ स्क्रब, आई थिंक दिस इज इनफ। तो मैं अपने इसको नेक पे भी थोड़ा सा कर लूँगी, ये नहीं एंड जस्ट फेस पे करूँगी। सो ओके, खुशबू इसकी इतनी अच्छी आ रही है ना। ओके गाइस, तो अब मैं इसको अच्छे से स्क्रब कर लेती हूँ 2-3 मिनट के लिए। और आपको ध्यान रखना है, जब भी आपने स्क्रब करना है, आपने नीचे ऊपर से नीचे को नहीं करना, ठीक है, यहाँ नीचे से ऊपर को ऐसे ही करना है। जब भी आप मसाज कर रहे हैं, चाहे वो स्क्रब की है चाहे वो क्रीम की है, तो आपने ऐसे ही करना है ऊपर को। ओके, और ये स्क्रबिंग करनी है आपको एटलीस्ट 2-3 मिनट्स के लिए। और अगर आप थोड़ा सा वाटर ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, एक्चुअली करना ही पड़ेगा, इतना नहीं तो आपके फेस पे रैशेस पड़ने के चांसेस रहते हैं। ओके गाइस, तो 5 मिनट्स हो गए हैं और मैंने स्क्रबिंग कर ली है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने ये लिया था, अब जो ये है वेट टॉवल, स्मॉल टॉवल, इसको मैं अपने फेस अच्छे से साफ कर लूँगी। वैसे तो आपको इफ़ यू कैन वॉश देन यू कैन, बट मुझे बार बार जाना पड़ेगा इसलिए, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं इसको वैसे ही रख लिया है। और गाइस, दूसरी बात इस स्क्रब की ये है, जो इसमें पार्टिकल्स हैं ना वो बहुत ही सॉफ्ट हैं, आपकी स्किन को हर्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये मैंने करके देख लिया है। अब है ये थर्ड स्टेप, ये है हमारी नरिशिंग क्रीम, और इसको अपने फिंगर टिप्स पे लेना है और अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करना है। इसको आपको तब तक मसाज करना है जब तक कि ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ओके, सो इतनी अमाउंट ले रही हूँ मैं, ये थोड़ा और ले लेते हैं। तो मैंने ये इतनी काफ़ी सारी है, ये वैसे यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने ये ले ली है क्रीम, और इसको मैं अच्छे से अपने फेस पे तब तक मसाज करूँगी
जब तक कि ये एब्जॉर्ब ना हो जाए। सो नाउ इट्स डन एंड नाउ इज द टाइम फॉर आर फोर्थ स्टेप। सो फोर्थ स्टेप है वो है मेन स्टेप बिकॉज दैट इज द मेन यू नो आर फेशियल क्रीम और द स्क्रब because that is the main massage cream that we are going to apply now. And here it is, it's a step 4th and it's named as massage cream. And they have clearly written that you have to, you know, gently massage your face at least for 10 to 15 minutes. Okay guys, so maine itni le li hai ye fingers pe aur isko main acche se apply kar deti hu. And obviously isko massage karte time aapko maybe thodi se aapko pani ki ज़रूरत पड़े ऐड करने के लिए, सो यू कैन ऑल्सो डू दैट। ओके, सो मैंने थोड़ा सा पानी मैंने पहले ही ले लिया ये एंड नाउ आई एम मसाजिंग दिस। मिनट्स हो गए हैं, सो व्हाट आई डू, आई विल अगेन टेक दिस वेट टॉवल एंड वाइप माय फेस। जेंटली और बहुत अच्छे से मसाज करनी है आपको भी। ओके, मैं फील कर सकती हूँ कि मैं कितना यू नो रिफ्रेशिंग फील कर रही हूँ, कितना सही फील कर रही हूँ सीरियसली। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर फिफ्थ स्टेप, दिस इज पील ऑफ मास्क। सो आई विल अप्लाई दिस मास्क। तो मैं इसको अपने पूरे फेस पे बिल्कुल आपको थिन लेयर में अप्लाई करना है, आपको थिक लेयर नहीं रखनी है। और उसके बाद आपको एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स तक ये अप्लाई करके रखना है, ठीक है। तो ओके गाइस, तो मैंने पूरा अपना जो फेस मास्क है वो उतार लिया है एंड नाउ आई कैन फील कि मुझे कितना मतलब रिफ्रेशिंग सा फील हो रहा है, बहुत ही सही। और मैं क्लियरली अपने फेस पे ना जो ये डिफरेंस आया है आई कैन सी, ये बहुत ही अच्छा है। नो डाउट इट विल टेक 2-3 डेज टू कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट ऑन माई फेस। सो वी आर डन विद द फिफ्थ स्टेप एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर सिक्स्थ स्टेप। सो स्टेप इज दिस फिनिशिंग क्रीम। सो वी विल टेक दिस फिनिशिंग cream a little bit. I've taken this much. So what we need to do, we need to apply it all over face and here we go. And again massage very gently for 2-3 minutes. Okay guys, so we are done for this video. So I'll see you guys super soon in my next video. Till then, bye bye, take care.